मैं जी एक ही बात मानता हूँ, गांव का जो सही विकास है वो शिक्षा पर आधारित है। मेन जो विकास है गांव की जो नींव है वो शिक्षा से ही संभव है। सभी सरपंच या जो ग्रामवासी हैं वो इसमें स्कूल के सिस्टम में सबसे ज़्यादा सहयोग करें ताकि गांव का विकास हो सके और हमारे बच्चे पढ़कर आगे गांव का नाम रोशन करें। टोटल हमारे बच्चे थे जी 10th के अंदर 46, जिसमें से 46 के 46 पास हुए और 21 मेरिट आई, सरकारी स्कूलों में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। ये सुविधाएं हमारे सरपंच साहब टीचर्स इनमें सभी का योगदान रहा है और इन सभी ने मिलकर हमारे स्कूल को इतना अच्छा बनाया, इतनी सुविधाएं इसमें उपलब्ध करवाई है और मुझे मेरा स्कूल सबसे बढ़िया लगता है जी। स्कूल के सभी टीचर्स को बहुत मेहनत की है जी। उन्होंने हमें एक्स्ट्रा क्लास भी लगाई है, हम सब की सुबह भी बुलाते थे और स्कूल के बाद भी लगाते थे। नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो दो हाथ, लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूँ आपके साथ विक्रम इंदौरा। आज मैं सिरसा जिले के एक ऐसे गांव में पहुंच चुका हूं जिसने पूरे प्रदेश स्तर पर अपना लोहा मनवाया है। जी हां, इस वक्त मैं जिला सिरसा के गांव बरासरी में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे का वाक्य देख रहे हो, ये राजकीय उच्च विद्यालय है जो कि 10वीं कक्षा तक का स्कूल है। आपको बता दें कि इस स्कूल की एक विशेष खासियत ये है कि ये हरियाणा प्रदेश का पहला ऐसा स्कूल है जहां पर पहली बार सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जहां पर 18,000 लीटर की दो टंकियां पानी की लगी हुई है, जो बरसाती पानी है जो उन टंकियों में जो एकत्रित होता है उनको फिल्टर करके जो यहां पर टीचर है वो खुद भी पीते हैं और जो बच जाता है पौधों को पानी भी दिया जाता है। इससे स्पष्ट तौर पर हम कह सकते हैं कि जल बचाओ अभियान के तहत यहाँ पर एक अनोखी मुहिम शुरू की गई है। इसके अलावा हम शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर पूरे प्रदेश स्तर पर एक बिटिया का नाम भी है जिसने पूरे प्रदेश स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया। चाहे हम बात शिक्षा की करें, स्वास्थ्य की करें, जल बचाने की करें, स्वच्छता अभियान की करें, इन सारे फॉर्मेटों पर खरा उतरने वाला प्रदेश का एकमात्र स्कूल और जिस स्कूल की हम आज ग्राउंड पड़ताल करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी टीम आपको रोजाना एक नए गांव में ले जाती है, एक ऐसे गांव में हमारी टीम घूम रही है जहां पर उस गांव की हम खासियत बताते हैं और हमारी टीम लगातार ये प्रयास कर रही है कि जहां जहां भी शिक्षण संस्थान जो बने हुए हैं उनमें गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रणाली लागू हो। यहाँ के टीचरों की बताएँ तो टीचर भी काफ़ी मेहनती बताए जाते हैं और उस मेहनत का ही कमाल है कि बच्चे हैं वो मेरिट लेकर के पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरे सहयोगी को कहूँगा कि सबसे पहले हम गेट में एंट्री करेंगे। आप गेट में एंट्री करते ही शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। आप ये देख सकते हो विवेकानंद जी की फोटो लगी हुई है और यहाँ पर राजकीय उच्च विद्यालय लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हो। मेरे सहयोगी को कहूँगा कि पूरा वाक्य दिखाइए। ये वाक्य सिरसा जिले के गांव बरासरी का है, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में अव्वल, स्वच्छता में अव्वल, जल बचाने की मुहिम को लेकर भी अव्वल है क्योंकि यहां पर 18,000 की जो दो टंकियां लगाई गई है और जो पानी फिल्टर होता है वो खुद यहां पर जो टीचर है वो पीते हैं। आपको संपूर्ण वाक्य दिखा रहे हैं और ये देख सकते हो आप राजकीय उच्च विद्यालय का टिट माउस इको क्लब है, ये देख सकते हो कितनी सफाई यहाँ पर करवाई गई है। और यहाँ पर एक मैं खास बात और कहूँगा कि यहाँ के जो सरपंच है राजेश चार जी, उनके नेतृत्व में साइंस ब्लॉक का भी यहाँ पर निर्माण किया गया है और पहला जो सीसीटीवी कैमरे इस स्कूल में लगाए गए, इस स्कूल से प्रेरणा लेकर और स्कूलों में लगे तो ये भी जो इस स्कूल के लिए बहुत ही गर्व की बात हम कह सकते हैं। हम यहाँ पर जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं उनसे भी बात करेंगे जिसने प्रदेश स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है, रिया लड़की जो है उनसे भी हम बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द ग्राउंड नेटवर्क। अभी हमारे साथ बरासरी के उच्च विद्यालय के प्रिंसिपल है शिवदत्त शर्मा जी, इनसे हम बात करेंगे। जी सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर।
किस तरह आपने स्कूल में, हम देख पा रहे हैं कि स्वच्छता अभियान का अवार्ड भी जीता, चाहे हम बात जल बचाने की करें, चाहे हम शिक्षा की करें, तो यहाँ से गुणवत्ता युक्त शिक्षा बच्चे जो हैं ले रहे हैं, किस तरीके से? ऐसा है जी इंदौरा साहब, यहाँ गांव में जितनी आईक्यू होनी चाहिए, बच्चों की आईक्यू तो नहीं है, लेकिन जागरूक हैं यहाँ के लोग जी। जब भी यहाँ मीटिंगें होती हैं, जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया है, पूरे गांव का पंचायत का सहयोग रहा है, उसकी बदौलत यहाँ बच्चे बड़े हैं, सामान्य श्रेणी के भी बच्चे, काफ़ी बच्चे यहाँ हैं जी। तो हमने स्वच्छता की प्रेरणा जब सरकार चेंज हुई, शुरू में मोदी जी ने स्टेप उठाया, तभी से पूरे स्कूल ने ठान ली थी और पूरे गांव का सहयोग था, विद्यालय में ही नहीं पूरे गांव के अंदर स्वच्छता अभियान सरपंच साहब ने चलाया, हाँ पूरा गांव ने सहयोग दिया, हमारे बच्चों ने भी सहयोग दिया। और पढ़ाई के विषय के अंदर रही बात, हमारे स्टाफ के जो हैं मेहनती हैं जी, जिन पे हमें गर्व है, वो बच्चों को त्रासते हैं, ये नहीं है पढ़ाना ही एकमात्र, उनको अच्छी प्रेरणा देते हैं जी, और अच्छी शिक्षा देने के प्रयत्न करते हैं जी। जैसे कि कोई चीज़ कंपटीशन करवाना हो जी, हमारे विद्यालय के अंदर हर सप्ताह सेकंड सैटरडे की तो छुट्टी होती है, सैटरडे सरकार ने जॉयफुल डे बना रखा है जी, उस पर हमारे जो टीचर हैं कंपटीशन करवाते हैं क्लास वाइज, उसके बाद लास्ट जो सैटरडे होता है जी, पूरे स्कूल की क्विज कंपटीशन करवाते हैं जी, उसमें हम फर्स्ट सेकंड निकालते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं जी, और 26 अगस्त और 15 अगस्त को जो प्रोग्राम होते हैं वो वहाँ उसके दौरान हम पंचायत से उनको सम्मानित करवाते हैं, जिससे बच्चे प्रेरित होकर के आगे बढ़ते हैं, जिसका परिणाम हुआ हमारे विद्यालय में 16-17 के अंदर क्विज के अंदर हमारे विद्यालय ने टॉप किया हरियाणा के अंदर जी। जिसका इनाम तीन टीमें गई थी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तीसरी से पाँचवीं, छठी से आठवीं और नौवीं से दसवीं, तीसरी से पाँचवीं फर्स्ट आई डिस्ट्रिक्ट के अंदर, नौवीं से दसवीं डिस्ट्रिक्ट के अंदर फर्स्ट आई, और तीसरी छः से आठ है वो थर्ड आई, वहाँ हमें 31,000 का इनाम मिला। उसके बाद स्टेट के अंदर क्विज कंपटीशन हुआ, वहाँ दोनों ही प्राइमरी और हाई स्कूल की दोनों ही टीमें हमारी स्टेट में फर्स्ट आई, जिनका इनाम हमें 1,01,000 रुपये का एक टीम को मिला जी। ये हमारी उपलब्धि है। स्कूल सौंदर्यकरण में 14-15 के अंदर हमारा विद्यालय डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रहा, और इस बार 18-19 में भी स्कूल सौंदर्यकरण के अंदर हमारा विद्यालय, मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्य के अंदर हमारा विद्यालय डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रहा है, जिसके लिए हमें 1.5 लाख रुपये की राशि आनी है, अभी आई नहीं है जी। एक सर इस स्कूल की विशेष बात मैं देख पा रहा हूँ, हमने तमाम स्कूलों का दौरा किया है, विशेष बात यह है कि जल बचाओ जीवन बचाओ अभियान के तहत जो 18,000 लीटर की जो टंकियाँ आपने जल संरक्षण के लिए यहाँ पर बनाई है, वो किस तरह से आपने इस स्कूल के अंदर लागू की, वो थोड़ा बताएं सर जी। 4 स्कीम आई थी जी। जो एक की ब्रासरी स्कूल को मिली थी जी। और जिसका उद्देश्य था जो बॉर्डर पर गांव हैं जी, वहाँ जल की कमी है, ये भी छोटा सा गांव है, पानी की समस्या है, क्यों टैल पर गांव पड़ जाता है, इसकी वजह से हमने ये प्रयास किए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए टैंक तैयार किए, उस ग्रांट का उपयोग किया जी। आज भी ये जो है दोनों टैंक तैयार हैं, फर्स्ट बारिश के अंदर हम रेजिंग में खोल देते हैं, उसके बाद फिल्टर सिस्टम है, फिल्टर होकर के पानी ये हम पीते भी हैं और पौधों के लिए भी लाभदायक हैं, हाँ इसका उपयोग अच्छी तरह से करते हैं हम, बहुत बढ़िया पानी है, ये आरे को भी फैल कर रहा है इस समय जी। हाँ बहुत बढ़िया पानी है ये जी। अगर हम 2019-20 की बात करें तो सर कितने बच्चे पूरे प्रदेश स्तर पर मेरिट लिस्ट में आए? टोटल हमारे बच्चे थे जी 10th के अंदर 46, जिसमें से 46 के 46 पास हुए जी, और 21 मेरिट आई, अगर 46 में से 21 मेरिट आई, अगर ग्रामीण की मेरिट देखें तो 27 मेरिट है जी। हाईएस्ट स्कोर है 486 जी, और एक बच्ची जिसके हाईएस्ट स्कोर 486 है, अनीता डॉटर ऑफ रमेश, उसके मैथ में 100 में से 100 अंक है जी। हाँ ये हमारे विद्यालय, इससे पहले पिछली बार भी हमारा 90% रिजल्ट था और 17 मेरिट थी, रिया डॉटर ऑफ राजेश जी चार, उनकी बिटिया जो है पूरे स्टेट के अंदर सरकारी स्कूलों में दूसरा स्थान प्राप्त किया था, और इस सेशन में
हमें सरपंच साहब ने जो चीज़ें उपलब्ध, जैसे शेड का निर्माण है पूरे स्कूल में, CCTV लगाना या डिस्टम्बर कलर कराना, और भी ये रोड है IBP रोड कहते हैं क्या, ये IBP रोड है या शेड है, और भी चार दीवारी है, तो मतलब ये पंचायत ने काम करवाए हैं, मतलब लाखों रुपए स्कूल में लगाए हैं जो आज दिखाई भी दे रहा है। हमारे जो अधिकारी आते हैं ना, आते ही वो चौंक जाते हैं जी। हाँ, और वो आते ही यहाँ क्या कहते हैं कि हम तो यहाँ नालंदा तक्षशिला की याद आ रही है ब्रासरी स्कूल माने के बाद। यहाँ एक्शन साहब आए थे गुड़गावा से जी। उन्होंने जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है इसको चेक किया, पब्लिक हेल्थ की टीम उनके साथ थी, उन्होंने पूरे स्कूल की और इस सिस्टम की बुरी बुरी प्रशंसा की, पानी की परख की और उन्होंने पिया भी, तो पानी की क्वालिटी पब्लिक हेल्थ से भी बहुत बढ़िया है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ प्रिंसिपल शिवदत्त शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि अगर यहाँ पर अधिकारी आते हैं तो वो यहाँ पर आकर ये कहते हैं कि हमें नालंदा की याद आ रही है। हम नालंदा की बात करें तो नालंदा के साथ साथ तक्षशिला, विक्रमादित्य शील यूनिवर्सिटियाँ, तमाम उन यूनिवर्सिटियों के नाम भी आते हैं जो वर्षों से इस देश में यहाँ पर थी और जिनका डंका पूरे विश्व में बजता था। एक खास बात प्रिंसिपल साहब ने यह बताई कि यहाँ पर 10वीं कक्षा में एक लड़की रिया, डॉटर ऑफ राजेश, जिसने पूरे प्रदेश स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया, और वो लड़की किसी और की नहीं, यहाँ के जो गांव के मुखिया है, सरपंच है, राजेश चार की बेटी है। यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं सरपंच राजेश चार ने सबसे पहले अपनी बेटी का जो दाखिला है वो सरकारी स्कूल में करवा करके ये गाँव वालों को ये प्रेरणा दी कि अगर आप सरकारी स्कूल में भेजोगे तो आपको उस प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा आपको सुविधाएं मिलेगी। इस वक्त आप कैमरे पर देख सकते हो, इस ब्रासरी गांव के सरपंच हैं राजेश चार जी, हम उनसे भी बात करेंगे। राजेश चार जी, आपके कार्यकाल में कुछ सराहनीय कार्य इस स्कूल के लिए किए गए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, वेरी नाइस। जब आपको ये पता चला कि आपकी बेटी ने पूरे प्रदेश स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है, उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? बहुत बढ़िया जी, मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी जी। उसका मैंने आगे उसके इच्छा के अनुसार शिक्षक दाखिला करवा दिया जी। आप PMT की तैयारी कर रही है अभी। अच्छा, इसके अलावा राजेश चार जी आपसे बात करें तो हम चाहे स्वच्छता की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, जल बचाने की मुहिम को लेकर के करें, या आपके स्कूल में पहली बार CCTV कैमरे लगाए गए, ये सब कैसे हुआ? क्योंकि और भी सरपंच है वो ऐसा कर नहीं पाते हैं, क्या कारण है इसके पीछे? पहले यहाँ पर रोजाना मतलब नुकसान हो जाता था जी। कभी पौधे तोड़ देते थे, असामाजिक जो भी तत्व है, शरारती तत्व है, तो हमारे यहाँ पर मीटिंग हुई, गाँव वाले आ गए, तो गांव वाले बोले भी अपने पैसे चंदे से इकट्ठा करके और यहाँ पर CCTV कैमरे लगवा दिए जाए। तो मैंने उनसे एक ही बात कही, चंदे से क्यों, ग्राम पंचायत के पास फंड है, उससे कर देंगे। हमने लगभग एक हफ्ते के अंदर कैमरे लगवा दिए। हाँ जी सरपंच साहब, और जो सरपंचों की बात करें और गांव की बात करें तो ऐसा नहीं है, हमने वहाँ पर जाके पड़ताल की है, आप में ऐसा क्या कर गुजरने की क्षमता थी, आप कर भी रहे हो और सरपंच नहीं कर पाते, इसका कारण क्या है? मैं जी एक ही बात मानता हूँ, गांव का जो सही विकास है जी, वो शिक्षा पर आधारित है। मेन जो विकास है गांव की, जो नींव है वो शिक्षा से ही संभव है। गली तो आज बनाते हैं, हो सकता है 5 साल में वो खराब हो जाए, दोबारा बना देते हैं जी। और अगर शिक्षा से गांव में बढ़िया सर्विस मिलेगी, सारा सिस्टम होगा, तो गांव अपने आप ही सुधर जाएगा। बाकी हमने गलियों का भी विकास किया है, नालियाँ भी बनाई है, पार्क भी बनाया है, शमशान भूमि में भी शेड बनाया है, सार्वजनिक स्थान पर भी शेड बनाया है, और स्कूल में आप देख रहे हैं, आपने जो देखा है साइंस लैब है, ये जो शेड है, चार दीवारी है, चार दीवारी की 15 साल से मांग थी जी। चार दीवारी बहुत निश्चित थी, इसी कारण असामाजिक जो शरारती तत्व है हर गांव में होते हैं, 5-4 व्यक्ति वो नुकसान कर देते थे। अब CCTV कैमरे और ये चार दीवारी से हमारे स्कूल में बिल्कुल सेफ सिस्टम है जी। बहुत बढ़िया राजेश जी, तमाम जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं ये, और सरपंचों तक भी बात जाएगी, अधिकारियों तक भी जाएगी, क्या मैसेज आप छोड़ना चाहते हैं? मैं तो यही मैसेज देता हूँ जी, सभी सरपंच या जो ग्रामवासी हैं वो इसमें स्कूल के सिस्टम में सबसे ज़्यादा सहयोग करें, ताकि गांव का विकास हो सके और हमारे बच्चे पढ़कर आगे गांव का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गांव के सरपंच राजेश चार जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई
जो बात हम कह सकते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि नींव स्कूल में तय होती है। जो मजबूत है, कोई भी बच्चा पैदा होता है जब पहली बार उसको स्कूल में ले जाया जाता है तो हम कह सकते हैं उसकी जो नींव है बच्चे की वो शिक्षा से तय होती है, उसकी नींव मजबूत शिक्षा से होती है। अगर भविष्य हम कह सकते हैं भविष्य उज्जवल बनाया जाता है तो वो स्कूल है। सरपंच साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, यहाँ पर इस गांव के ग्रामीण हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जयवीर नाम है। अच्छा जयवीर जी, स्कूल में लगभग आते रहते हो, कई दफ़ा आपको देखा गया, क्या कारण है? वहाँ के बच्चा पढ़े जी, बढ़िया स्कूल का माहौल है। अच्छा जी, यार बढ़िया काम होने लग रहा है, बढ़िया स्टाफ है जी, पंचायत बढ़िया काम करवाने लग रही है। अच्छा, आपके गांव का नाम पूरे इतिहास के अंदर जब आता है तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगे जी, जी बहुत बढ़िया। ये कि गांव में अच्छा विकास कार्य हो वो तो बढ़िया ही रहेगा। ये बच्चा है स्वरूपत में स्कूल का मास्टर पढ़ाने लग रहा है, सरपंच विकास काम कराने लग रहे हैं, बच्चा आगे बढ़ेगा, कोई नौकरी लागो, कोई की मनाएगो, कोई की मनाएगो, तो गाँव में अच्छा ही काम होगा। ये तीन पीढ़ियों काम हो जाएगा, ये बच्चा गांव का कामयाब हो जाएगा, गांव कामयाब है फिर और चाहिए की है। सरपंची तो मिलती रहनी है, आनी जानी है जी। तो विकास कार्य बढ़िया है जी बरासरी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। वक्त मैं रमेश थ्योरी के घर पर मौजूद हूँ और ये लड़की आप देख सकते हो, अनीता इसका नाम है, और इसने भी उस बरासरी के स्कूल में पढ़ करके मेरिट स्थान हासिल किया है। यह लड़की शेड्यूल कास्ट से संबंधित है, इनके पिताजी है वो दिहाड़ी मजदूरी का कार्य करते हैं। ऐसे सूरत में एक तरफा ये सरपंच भी बैठे हैं हमारे साथ, ये सरपंच है राजेश चार जी, इनकी बेटी भी उसी सरकारी स्कूल में पढ़ती है, और एक तरफा ये मजदूर है, इसकी लड़की भी सरकारी स्कूल में पढ़ती है। इससे हम बार बार कह रहे हैं कि एक प्रेरणा वाली बात है कि सरपंच चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबको एक स्थान दे रहे हैं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव इस गांव में नज़र नहीं आ रहा। इस लड़की से हम बात करेंगे कि किस तरह इन्होंने मेरिट स्थान हासिल किया। सबसे पहले गुड़िया आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। अच्छा, आपने किस तरीके से पढ़ करके जो मेरिट हासिल की है ये हमारे दर्शकों तक बताओ। कि ये मेरिट स्थान हासिल किया है और इसमें मेरे टीचर्स और मेरे माँ बाप का बहुत योगदान रहा है जी। इन्होंने मुझे मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए जी। और अपने स्कूल का नाम रोशन करने के लिए, गांव का नाम रोशन करने के लिए जी। और इन दो मेरे माता पिता और मेरे टीचर्स का इसमें बहुत योगदान रहा है। अच्छा, ये सुविधाएं हमारे सरपंच साहब टीचर्स इनमें सभी का योगदान रहा है और इन सभी ने मिलकर हमारे स्कूल को इतना अच्छा बनाया, इतनी सुविधाएं इसमें उपलब्ध करवाई है जी। और मुझे मेरा स्कूल सबसे बढ़िया लगता है तो और जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, क्या मैसेज छोड़ना चाहोगे? आपने जो पढ़ाई की है, मेरिट स्थान हासिल किया है, कितने घंटे आप घर में आकर पढ़ते थे? मैंने घर पर लगभग 5 से 6 घंटे पढ़ाई की है जी। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि कुछ भी काम मुश्किल नहीं है, इसके लिए सिर्फ मेहनत की ज़रूरत होती है और मेहनत से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं जी। आपके पिताजी है वो क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक मजदूर हैं और खेतीबाड़ी का काम करते हैं जी। मैंने आगे नॉन मेडिकल लिया है और मैं नॉन मेडिकल की लाइन में आगे बढ़ना चाहती हूँ जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ अनीता, इस वक्त जो मजदूरी का कार्य करते हैं अनीता के पिताजी, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, आपकी लड़की ने मेरिट स्थान हासिल किया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। अच्छा, तो आप मजदूरी का कार्य करते हो और बच्चों को पढ़ा भी रहे हो, कितनी की मुश्किलें आपके इस दैनिक जीवन में आती है? मुश्किलें तो जी आती है, मैं तो इनसे यही कहता हूँ कि पढ़ते रहो, पढ़ाई करो जी। और मेरी सब हमारे को तो दिक्कत होती है, मजदूरी करते हैं जी। अगर हम सरपंच की बात करें तो सरपंच की ओर से जो स्कूल के अंदर इतनी कुछ व्यवस्थाएँ दी गई है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हो? सरपंच साहब ने बहुत किया है जी, स्कूल में अच्छी सफाई है, अच्छे शेड साड सब कुछ लगा दिए, बहुत अच्छी काम किया है जी सरपंच ने, पूरे गांव में किया, स्कूल में बहुत ही किया है जी।
तो ये थे हमारे साथ अनीता के पिताजी, जिन्होंने बताया कि मजदूरी करते करते उनको मुश्किलें तो आती है, लेकिन इन मुश्किलों का वो सामना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस गांव के जो सरपंच हैं, उन्होंने चाहे वो गांव के विकास की बात हो, चाहे वो स्कूली व्यवस्था सुधारने की बात हो, तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं सरपंच ने जो है गाँव के विकास की ओर कदम बढ़ाया है। इस वक्त हमारे साथ रिया लड़की है, जिन्होंने ब्रासरी स्कूल में पढ़ करके पूरे प्रदेश भर में अपना परचम लहराया है। वहीं बता दें कि रिया उस सरकारी स्कूल में पढ़ी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक गर्व की बात है। रिया जो लड़की है वो सरपंच है यहाँ के, राजेश चार जी उनकी लड़की है। रिया जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। जिस प्रकार आपने पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया, इनके पीछे कितनी की मेहनत है आपने की है, वो हमारे दर्शकों तक बताएं। इसके पीछे सबसे पहले तो हमारे स्कूल के सभी टीचर्स को बहुत मेहनत की है जी। उन्होंने हमें एक्स्ट्रा क्लास भी लगाई है हम सब की, सुबह भी बुलाते थे और स्कूल के बाद भी लगाते थे, और फिर हम घर पे आके भी पढ़ते थे जी। तो इसमें काफ़ी टीचर्स का भी योगदान है और मेरे फैमिली का भी बहुत योगदान जी। आपके स्कूल का मैं सुन पा रहा हूँ कि जो बच्चे हैं वो ट्यूशन क्लास भी नहीं लगाते, इनके पीछे किनका आप किनको श्रेय देते हो? आपके गांव के जो सरपंच हैं उनको श्रेय देते हो या टीचर को श्रेय देते हो? टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं तो ट्यूशन जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं तो टाइम भी नहीं बचता ट्यूशन जाने के लिए। तो जी, आगे के अगर आपके भविष्य की बात करें तो आप कौन से फील्ड में जाना चाहती हो? डॉक्टर बनकर के किस प्रकार आप देश की रक्षा? वही गरीबों की सेवा, और अच्छा डॉक्टर बनेंगे तो भी पता चलेगा फिर। अच्छा, ये इतनी सब प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये स्कूल के टीचर से और मेरी फैमिली से। अच्छा अच्छा, क्या क्या मोटिवेशन स्कूल में वो करते रहते थे आप? ये कि पहले तो 10th क्लास में थे तो भाई टॉप 10 में आना है, और फिर अब तो सिलेक्शन हो जाए नीट में तो फिर अच्छा होगा। अच्छा अच्छा, यही कहते थे। अच्छा, और ब्रासरी गांव के लिए नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि सरकारी स्कूल में पढ़ करके यहां पर जो लड़कियां हैं वो लड़कों से ज़्यादा कहीं बाजी मारती हुई नज़र आ रही है।